तो मेरे भाइयों, क्या हालचाल? जो तुम दो चार लोग रोज कमेंट में बोलते रहते हो, व्यूज के लिए ये कर रहा है, व्यूज के लिए वो कर रहा है, तो तुम्हें क्या लगता है यूट्यूब पे भंडारा खाने आए हैं? इतना गलत कैसे हो सकता है भाई? बड़ी बड़ी कंपनीज डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट्स हायर करती हैं ताकि व्यूज बढ़ा सकें, तो जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो तो फुलफिल करने की कोशिश करेंगे ही ना। तो आओ यार, अपने कान में ईयरफोन्स डाल लो। क्या डाल भी लिए? बहुत तेज हो रहा है। चलिए शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट है हाईएस्ट स्केल इन 6 मैचेस के रिकॉर्ड के बारे में। वैसे तो मैंने एक वीडियो दी थी 2 दिन पहले जहां बीएफए ने रिकॉर्ड बनाया था, लेकिन रॉकी भाई ने इस बारे में बात की है और बताया कि आखिर किसके नाम है रिकॉर्ड। आज एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड अंकुश री फायर ने बना दिया है। दोपहर के मैच में जी, दोपहर के मैच में पहले रिकॉर्ड था टाइकून्स के पास, फिर माफियाज ने उसकी बराबरी की और अंकुश री फायर ने उसी रिकॉर्ड को तोड़ दिया। दूसरी तरफ टीजी के फैंस, अब आप कह सकते हो गुस्से में हो या एक्साइटेड हो, जो भी है, बट वो कह रहे हैं कि देखना रॉकी भाई इसी टूर्नामेंट में माफियाज रिकॉर्ड तोड़ेगी। आज हो कल हो, लेकिन इसी टूर्नामेंट में तोड़ेगी अंकुश फ्री फायर का रिकॉर्ड। और बीएफए की ओर से भी बीएफए के फैंस क्लेम कर रहे हैं कि 91 किल्स का रिकॉर्ड उनके पास है। मेरे पास 91 किल्स का अभी तक स्टेटिस्टिक्स है नहीं, अभी तक आया नहीं ऑनेस्टली 6 मैचेस में 91 का, क्योंकि अगर वो जी जहां तक मुझे पता है 6 मैच का नहीं था, 6 मैच का नहीं था। अच्छा, क्योंकि आप बीएफए के साथ एक अरसा बिता, तो मेरे को भी कानो कान यही खबर मिली है कि वो 6 मैच का नहीं था, आई थिंक 7 मैच का था जितना मेरे को सुनने में आया। 7 मैचेस जी, 7 मैचेस में 91 किल्स का उनका रिकॉर्ड है। तो इसीलिए मैंने बोला कि 6 मैचेस का इनका रिकॉर्ड है। मैं ऑडियंस से वही कह रहा था कि आप इमोशनल होके बोल रहे हो, रॉकी भाई स्टैटिस्टिकली बोल रहे हैं, इतना ही फर्क है। पूरा पता लगा कर ही बोल। हाँ, मैं लाइव में आके कुछ भी बोल नहीं सकता। तो रॉकी भाई, इस बार आप बिल्कुल भी स्टैट्स के हिसाब से बात नहीं कर रहे हो। अभी एक मिनट पहले ही तो बोला कि मेरे पास स्टैट्स नहीं आए हैं, मैं श्योर नहीं हूँ, और अब बोल रहे हैं कि मैं स्टैट्स पे बात कर रहा हूँ कि 91 किल्स का रिकॉर्ड उनके पास है। मेरे पास 91 किल्स का अभी तक स्टैटिस्टिक्स है नहीं, अभी तक आया नहीं ऑनेस्टली। मैं ऑडियंस से वही कह रहा था कि आप इमोशनल होके बोल रहे हो, रॉकी भाई स्टैटिस्टिकली बोल रहे हैं, इतना ही फर्क है। पूरा पता लगा कर ही बोल। हाँ, मैं लाइव में आके कुछ भी बोल नहीं सकता। कोई नहीं गाइज, बड़े बड़े शहरों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। आज हम प्रूफ ही देख लेते हैं। तो ये टूर्नामेंट खिलाड़ी अड्डा पे हुआ था, एक दिन के ही मैचेस थे और लॉबी भी T1 ही थी। मैच 1 14 किल्स, मैच 2 22 किल्स, मैच 3 22 किल्स, मैच 4 15 किल्स, मैच 5 10 किल्स एंड मैच 6 7 किल्स। इन सब का सम करके आता 90 किल्स। अब एक किल एक्स्ट्रा वो बीएफए के प्लेयर कहां से ऐड कर रहे हैं वो तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन तुम भी एक बार वेरीफाई कर लेना, कभी मेरी कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हो। तो अभी तक जितने प्रूफ्स हैं मेरे पास, उनसे यही कंक्लूड हो रहा है कि रिकॉर्ड बीएफए के पास है विद 90 किल्स। और बात रही टाइकून्स के रिकॉर्ड तोड़ने की, तो वो कोई नहीं तोड़ सकता, उसके लिए पहले बिना रिवाइवल के मैच कराओ तब मानेंगे। टाइकून्स का रिकॉर्ड दूसरी कंडीशन में है और अभी की कंडीशन में बीएफए के पास रिकॉर्ड। लेकिन यार क्या पता रॉकी भाई अपने कास्ट कर रहे हो, टूर्नामेंट्स की बात कर रहे हो, तो उस हिसाब से अंकुश फ्री फायर के पास ये रिकॉर्ड। इस अपडेट का क्रेडिट जाता है टीएम चैंपियन मशीन को। नेक्स्ट अपडेट है खिलाड़ी अड्डा इन्विटेशनल से। तो एलिमिनेटर्स डे 2 में टॉप पर है टीम केओस, सेकंड पे है ओजी लीड एंड थर्ड पोजीशन पे रही रोर स्पोर्ट्स। और कल आवाज थी जॉन्टी भाई की, सबने सही पहचाना था, वेरी गुड। अब जरा आज की आवाज गेस करो। जब मैं कमेंट्स देख रहा था लोगों के कि यार बहुत हेट मिल रहा है मेरे पे, मीम्स बनना स्टार्ट हो चुके थे, लोग मेरे को डीएम में मैसेज में कुछ भी उल्टा सीधा लिख लिख के भेज रहे थे, तो मैं एक तरह से बहुत डर गया था। मैंने कहा क्या हो गया मेरे साथ, बहुत बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फैल गई थी पूरी। एंड जो मेरे साथ उधर लोग थे उन सबको पता था कि हमारी थोड़ी गलती थी, बट उतनी गलती नहीं थी क्योंकि इधर बहुत ज़्यादा आगे लोग ऑलरेडी इतना सब फॉलोअप कर रहे हैं। हमें कुछ सीखने मिला इस चीज़ से, हम आगे ये चीज़ हमारे काम आएगी, बट अभी जो हुआ हमारे हाथ में नहीं था। चलो उनका नाम बताओ कमेंट्स में। और आज का गेम प्ले है कबीर 09FF का, इस वीडियो का लिंक भी फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। अगली अपडेट है ओजी पहाड़ी के बारे में। तो ने फाइनली अपने टीम इलीट वाले चैनल की याद आई गई। वो इलीट का चैनल खोला था एक दिन में 100K करवा दिया उसमें, आज तक हमने वीडियो नहीं डाली भाई, आज तक। बट उस चैनल पे कुछ अच्छी चीजें होने वाली है इन फ्यूचर, काफी ज्यादा मजा आएगा, सबको मजा आएगा, हमको मजा नहीं आएगा, सबके लिए फायदे वाली चीज होने वाली है, कुछ ऐसा मेरे को सुनने में आया है। इसके अलावा इसी स्ट्रीम पे जॉन्टी भाई ने आलोक का गिव अवे भी अनाउंस किया था
और पहाड़ी की गाली ना देने वाली शपथ को भी एक्सपोज कर दिया है। कंटेंट नहीं आ रहा है तुम्हारी तरफ से, कंटेंट पब्लिक कंटेंट मांगती। अरे क्या करो, स्पोर्ट कोई देखता नहीं है, इन छोटी-छोटी डाली को फायदा नहीं है। अब इनको दूंगा मैं आलू, आलू इनको दूंगा आलू। आलू सबके पास है, क्रोनो दो, क्रोनो दे दो, नहीं स्कैलर दो, सही सीजन वन दे दो, वो बंडल सीजन वन है ना, फुल क्लिक बेट, एकदम फुल क्लिक बेट करूंगा। देखो सही कह रहा हूं मैं, नहीं दूंगा प्रिस्क्रिप्शन ट्रिक्स, उम्मीद करता हूँ ट्यूशन घंटा नहीं दूंगा। ठीक है, ट्यूशन ट्रिक डाल के भी उतना ही आता है और वो डाल के भी उतना है, क्यों मैं इतना वो करूंगा भाई। बिल्कुल सही बात, बाय बाय अपनी हिप हॉप आईडी। अरे ने दिया बेंच, इसी ने दिया, तेरी बहन को ना मन अभी आ गया। जॉन्टे लाइव लाइव चलो, सॉरी 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 लाइव, मैंने 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 शपथ ली थी कि मैं अब लाइव पे गालियां नहीं दूंगा। कितने दिन हो गए, काफी दिन हो गए गाली दी, गाइस दो दिन, गाइस मैं रिकॉर्ड करके दिखाऊंगा तुम्हें इंस्टा पे, ठीक है। काफी 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 छोटे बच्चे लोग भी देखते हैं यार मेरे को, कुछ तो मैं भेजूंगा जो मेरे को मिलते हैं मैं भेजूंगा। नेक्स्ट अपडेट है फ्री फायर मैक्स चैंपियन लीग से, तो डे टू के बाद टॉप पर है ओजी एलीट, सेकंड पे है ब्लिसमेट्स एंड थर्ड पोजीशन पे है इनसेन ईस्पोर्ट्स। नेक्स्ट अपडेट है टीएसजी के बारे में, तो रोकी भाई ने बताया कि द क्रूज अब खेलते रहेंगे टीएसजी से। मुझे आइको का मैसेज आया था कि दे आर प्लेइंग वेरी कैजुअली, बट मैं कह रहा हूँ कैजुअली खेलने के बावजूद भी भाई 100 प्लस ज्यादा पिंग, उसके बावजूद भी बंदों ने टेबल टॉप करा है। इट्स अ बिग स्टेटमेंट कि आप समझ सकते हो कि विदेशी टीम्स जो है, आई थिंक थाईलैंड से आते हैं, मैं गलत अगर नहीं हूं करण भाई, फिनिक्स फोर्स थाईलैंड से आते हैं, तो इनका आप कॉन्फिडेंस देख सकते हो कि वर्ल्ड चैंपियन क्यों होता है। 100 प्लस पिंग के बावजूद भी दो बंदों ने, टीएसजी के दो बंदों के साथ मिलकर टेबल टॉप करा, वो भी 100 से अधिक पॉइंट्स के साथ। सो ये कोई आसान बात नहीं होती है। लास्ट मैच में तो उन्होंने पूरी तरीके से फाड़ के रख दिया बाकी टीमों को, डबल बैरल ऐसे चलाते हैं जैसे कोई मजाक हो, प्लेयर को ऐसे फाड़ते हैं जैसे कागज हो, समझ ही नहीं आता कि रोके कैसे। हालांकि आइकॉनिक काफी खुश थे कल, आइकॉनिक ने कहा हम इसी तरीके से इनको लाते रहेंगे, मजा आ रहा है। एंड उन्होंने ये भी गुजारिश करी कि ऑडियंस हेट ना दे इनको, क्योंकि हम ये दिखाने नहीं आए हैं कि थाईलैंड के प्लेयर्स इंडियन प्लेयर्स कंपैरिजन, नहीं, हम ये दिखाने वर्ल्ड चैंपियंस किस तरीके से माइंडसेट से खेलते हैं वहां पे। तो यार एक बात समझ लो, जब तुम कहीं बाहर जाते हो या फिर कोई बाहर से तुम्हारे यहाँ आता है, तो उस टाइम तुम एक टीम को नहीं अपने कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे होते हो। जब अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हो तो उसकी एक बेकार इमेज मत क्रिएट करने दो हेट देके या गाली लेके कमेंट में। बाहर से कोई खेलने आया तो यार उसे थोड़ा प्यार दिखाओ, ये हेट वेट देना छोड़ दो। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज की वीडियो के लिए इतना ही, हम मिलेंगे एक और शानदार वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय।